डियर सर, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू, आज के इंटरव्यू के लिए मैं अपने डिज़ाइंस के साथ नहीं आ पाऊँगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई डीपली रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉस्ट एंड वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर द सेम। श्लोक के घर भेजना है मुझे। वो का? उन लोगों ने हमारे लिए मिठाई भेजी ना, हमें भी तो कुछ भेजना चाहिए। अज्जी रहने दो ना, इस सब के चक्कर में कहीं वो श्लोक और पीछे ना पड़ जाए। नहीं दी, ऐसा नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो कौन सी बुरी बात है। ए, कहे तो लो। मैं भक्त आजोबा की थेरेपी के लिए आ गए लोग। हेलो, एंड थैंक यू। आपने जो आजोबा के लिए किया है ना, उसके लिए जितना थैंक्स बोलू कम है। और तुम्हारे एक्टिंग ने ना जो स्लीपिंग पिल्स का काम किया आजोबा के ऊपर, अब तक उठ नहीं पाया है वो यार। कमाल की एक्टिंग करते हो तुम। एक अच्छी बात है ना। हाँ क्या? एक मुफ्त की एडवाइस तो तुम्हें। तुम एक काम करो, तुम्हारी एक्टिंग से ना तुम एक अच्छा खासा स्लीपिंग थेरेपी का बिजनेस चला सकते हो। गुड आइडिया है ना, खोलो फिर एक बिजनेस खोलो। तुम फालतू की बकवास मत किया करो मेरे सामने। ए श्रद्धा, नको आ गए तुम लोग। तुम लोगों के लिए मैंने करंजी बनाई है, भरपूर मावा डाल के बनाया है। देखो, मुझे मालूम है तुम्हारी माँ को बहुत पसंद आएगा। अब बताओ कब थैंक यू कहने के लिए तुम्हारे घर आऊँ। अरे अभी दादी अम्मा, अभी आपको लेकर चलता हूँ मैं। अरे अरे लाओ, दो 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 दो, इतनी जल्दी क्या है। मैं पानी लेके आती हूँ। ट्यूशंस के लिए तो जा रही हूँ मैं, और रास्ते में आजी को छोड़ जाऊंगी। ए क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच। ये लो। थैंक यू सो मच दादी अम्मा। चलो। अरे ये साड़ी पहन, तीने इतने प्यार से साड़ी दिया आजी आपको, बहुत अच्छी लग रही है। चलो अभी, चलो चलो चलो। पर मेरा पर्स, पर्स मैं लेकर आती हूँ। अरे गिरेगा ये लड़की ना। चल चल चल। चल ध्रुव अपना भी काम शुरू करते हैं। चलो भाई, किधर बढ़ो। जी बहुत अच्छा करंजी बनाती है आंटी, आप खा कर तो देखिए। नहीं नहीं तेल घी जरा कम ही खाती हूँ मैं। क्या देख रही हैं आप आंटी जी? मेरा बस चले तो मैं अपने इस घर को नए इंदौर के खूबसूरत एरिया में रातों रात शिफ्ट कर दूं। लीजिए। रख दें आप। हाँ।
कितने अच्छे संस्कार दिए हैं अपने अपने बच्चों को। निस्वार्थ भाव से इसके दादाजी का कितना ध्यान रख रहे हैं। और कल तो आपने हमारे लिए मिठाई भेज के हमारा तो दिल जीत लिया। मेरा श्लोक भी आपकी पोतियों की बहुत तारीफ कर रहा था, खासकर अंजलि की। अंजलि दी, बस उन्होंने पूरे घर को संभाल के रखा। आंटी बिल्कुल सही कहा इसने, अंजलि हमारे परिवार के रीढ़ की हड्डी है, हम सबका बहुत ध्यान रखती है, फिर उसको ना अपना ध्यान रखने का समय ही नहीं मिलता। बेचारी। नहीं नहीं, बेचारी क्यों, बेचारी मत कहिए ना, बहुत ही किस्मत वाली है आपकी अंजलि। अब देखिए हमारे घर आ जाएगी तो ये रोज रोज के घर के कामकाज के सरदर्द से तो छुटकारा ही मिल जाएगा उसे। क्योंकि ये सब काम करने के लिए यहाँ नौकर चाकर है ना, जो मर्जी आए खाए, जो मर्जी आए पिए, जो मर्जी आए पहने, जो मर्जी आए ओढ़े। अगर कहीं बाहर जाना चाहती है तो अपनी पसंद की गाड़ी है, यहाँ तक कि अपने खुद के ऑफिस में बैठकर ऑर्डर्स देने के लिए एक मोटा सा चेक भी मिलेगा उसे। कुछ लोग ना आंटी जी बहुत लकी होते हैं। अब अपने आप को ही देख लीजिए, घर बैठे बैठे मेरे श्लोक जैसा कितना अच्छा लड़का मिल गया आपको अपनी अंजलि के लिए। वरना अब इस उम्र में कहां दर दर की ठोकरें खाती हैं आप, है ना। दादो बॉक्सर भाई, ये तो कमाल का लग रहा है यार भाई, लेकिन इसमें भाभी जी के मॉम का फोटो नजर नहीं आ रहा है फैमिली ट्री में। कह तो तू सही रहा है, पर अंजलि की माँ की फोटो मुझे कहीं मिली ही नहीं और मिलेगी भी नहीं। क्या है ये सब? अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली मैं फैमिली ट्री बना रहा हूँ, सो शुरुआत से लेकर अभी तक की सारी मेमोरीज अगर दादाजी के सामने रखेंगे तो शायद उनको सब कुछ याद आ जाए। रहने दीजिए। ये आप क्या कर रही हैं? नहीं सच में, आपने आपने जो मेरे अजूबा के लिए किया उसकी जितनी भी तारीफ करो कम है, लेकिन बस मैं रियालिटी में जीना पसंद करती हूँ। किस लिए कर रहे हैं आप ये सब? हाँ दादाजी के लिए। दादाजी के लिए? मिस्टर श्लोक झवर, अगर आपको हमारा फ्यूचर साथ में दिखता हो ना तो एक सवाल कर सकती हूँ आपसे, कितने दिनों तक कर पाएंगे आप ये सब? हाँ मान लीजिए कि आपकी कोई जरूरी ऑफिस की मीटिंग है या फिर फैमिली डिनर है या फिर दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, जब भी कभी जरूरत पड़े 365 दिन 2400 घंटे कर पाएंगे आप? हाँ सब काम धाम छोड़ के मेरे अज्जी आजोबा को हॉस्पिटल ले जा पाएंगे आप? आएंगे नहीं ना?
तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए ना, मैं सब कुछ साथ में हैंडल कर सकती हूँ। अपने एक काम में देरी कैसी? मैं पंडित जी से मिलने गई थी और अगले महीने की 11 तारीख का मुहूर्त निकाल कर आई हूँ श्लोक और अंजलि की शादी के लिए। शादी के लिए आपको अंजलि की शादी मुबारक हो। आपकी गलती नहीं है, आपके घर में बेटी होती तो रिश्ते की बात इज्जत से करती। क्या है ना, हमारे यहाँ रिश्ते की बात बेटी वालों से भी पूछी जाती है, बेटी वालों को भी बराबर का सम्मान दिया जाता है। आपको तो किसी ने ये सब समझाया ही नहीं है ना बेटिया। ये कह रही हैं आंटी जी कि अगर मैं आपके पास ये रिश्ता लेकर आती तो आप इस रिश्ते के लिए मना कर देती? मजाक कर दिया आप भी आंटी जी। मैं सिखा रही हूँ बिटिया, आपके घर पे पता नहीं पर हमारे परिवार में लड़कियां अपने घर संसार के काम को बोझ नहीं समझती और ये सब गाड़ी बंगला धन दौलत इन सब से ऊपर रिश्ते होते हैं। और किस रकम की बात कर रही हैं? मेरी अंजलि के हाथ में इतना हुनर है कि वो चाहे तो आपको एक दिन साज बनने के लिए इससे भी ज़्यादा रकम आपको दे सकती है। बनेंगी ऐसी लड़की की सास? सला आपको कोल्ड कॉफी मीठी बनानी तो आती है पर संस्कार और जुबान कड़वे ही रह गए। तभी तो मंगलसूत्र का सौदा कर रही है। बुढ़े लोग बुढ़ी सोच। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताए आपने मिस प्रधान। उनसे जो प्यार लाड गाइडेंस और इंपॉर्टेंस मिलती है उसका क्या? आप और श्रद्धा बहुत लकी है मिस प्रधान, मुझे ध्रुव को तो इस प्यारे रिश्ते का कभी एहसास भी नहीं हुआ। यकीन कीजिए जो कुछ भी करना पड़ा खुशी खुशी करूंगा। क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स मेरे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होंगे क्या? सुन रहे विंग कमांडर जी, भाई ने के लाइन बोली है, अपन दोनों के लड़के होते ना भाई भी पक्का फ्लैट हो जाते। कमाल है भाई। सिद्धू का बेटा कहाँ है? नमस्कार दादाजी। आसबा दादाजी तू यहाँ क्या कर रहा है? छग्गू का बेटा दादाजी। गलती आपकी नहीं, आपकी उम्र की है।
इसलिए आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी मैं। अंजलि की माँ अगर आज होती तो शायद मेरी बात को अच्छी तरह से समझ पाती। पीढ़ियों का फर्क तो हमेशा से रहा है। आखिर एक माँ जो अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच सकती है, वो दादी अपनी पोती के लिए थोड़ी ना सोच पाएगी। बहुत देर से आपके जो मन में आ रहा है बोले जा रही है आंटी, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बड़ी बात कर रहे हैं ना आप। अपने बड़ों से कैसे बात करती है ये मैं देख चुकी हूँ। आज ये हमारे लिए माँ नहीं, माँ से कहीं बढ़कर है। आप भले एक्सपीरियंस और उम्र में मुझसे बड़ी होंगी, लेकिन आज जी से तो नहीं है ना। आज ये हमारे लिए और हम उनके लिए क्या है ये समझ पाना आपके बस की बात नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।